आज हम गोकलपुरी के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, यहीं भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज 2562वीं बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है और हमारे बीच में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष AR जोशी साहब। आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के क्या उपदेश से जो भारत ही ने उसे विश्व मना रहा है, पूरा विश्व बड़े पैमाने पर मना रहा है। जोशी साहब, आज जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, भारत ही नहीं पूरा विश्व बड़े पैमाने पर मना रहा है और धूमधाम से मनाया जा रहा है, और यहाँ देखने में आया कि किसी ने कोई अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाया और जिनके दिल के अंदर आस्था है वो मना रहे हैं। जय भीम साथियों, आज बहुत ही पवित्र और पावन दिन है कि आज के दिन भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, और जिनके जन्म के कारण जो हजारों हजारों साल से जो असमानता पाखंड और जो असमानता पाखंड के विश्वास में लोग सदियों से गुलामियत की जिंदगी जी रहे को विवश थे, ये केवल एंड केवल भगवान गौतम बुद्ध का ही धर्म था, जिसके वैज्ञानिक दृष्टि से और जिसके सिद्धांत से आज पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में एक जागृति हुई, और उस पाखंड से उस अनुचित शासन से वो सबको निजात मिली। ये उन्हीं का करिश्मा था कि आज जो बौद्ध धर्म था वो 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, पूरे 1/3 का एक भागीदार है। कोई भी जाए जावा हो, सुमात्रा हो, श्रीलंका हो, रशिया और आपका जापान, तिब्बत, भूटान और ये इवन नेपाल का भी आधा हिस्सा जो बौद्ध धर्म को अपनाते हुए उस सच्चे रास्ते पर चल रहा है, जिसमें एक समानता, भाईचारा, मित्रता और बंधुत्व का संदेश उन्होंने दिया। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में इसको बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। आज भी ऐसा लगता है जैसे भगवान गौतम बुद्ध आज कल ही हमारे बीच से गए, ऐसा नहीं प्रतीत होता कि बहुत समय से। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी ऐसी हस्तियाँ इस संसार में जन्म लिया, बहुत ने कुछ किया। एक बहुत उदाहरण इतिहास मिलता है कि उन्होंने सभी अपने सिस्टम से देश के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए सब कार्य किए, लेकिन ये एक ऐसे इतिहास महामानव रहे कि जिनकी वजह से आज पूरा का पूरा देश शांति में अहिंसा को फॉलो करते हुए और इस संसार में एक ऐसा संदेश दिया पंचशील का, जिससे आज हम अष्टांगिक मार्ग समझाया, जिससे आज पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड लाभान्वित है और उस अंधविश्वास से ऊपर उठा है। जोशी, आप ही लोगों के माध्यम से और किताबों में देखा गया है कि भगवान गौतम बुद्ध भारत के अंदर पैदा हुए और बौद्ध धर्म का जो यहीं से भारत से प्रचलन हुआ, लेकिन आज भारत से वो लुप्त होता जा रहा है, लेकिन और देशों ने बौद्ध धर्म को माना है और उनकी विचारधारा को माना है, आज वो तरक्की कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है जिन देश के वासियों ने, जिस देश के लोगों ने इस धर्म को माना, वो निरंतर, मैं सहमत हूँ इस बात से, वो निरंतर तरक्की कर रहे हैं, चूँकि वो भय भगवान भूत में विश्वास नहीं रखते, वो अपनी कार्यशैली में विश्वास रखते हैं, वो हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, जबकि भारत में उसका उल्टा है। यहाँ हमारे बहुत से जो हम अंधविश्वास में जीते हैं, हम बिल्कुल पाखंड में जीते हैं, असमानता और सिस्टम, यहाँ का जो जातिवार सिस्टम है, यहाँ एक अनार्की सिस्टम है, वो जो जाति धर्म के बीच में टोटल भारतवर्ष बटा हुआ है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ये इसी तरह रहेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये धर्म हमारे देश में जो बिल्कुल प्रचलित और बड़े प्राउड से होना चाहिए था, वो उस ताकत से नहीं है, लेकिन जो इस धर्म को मानते हैं वो बिल्कुल निष्ठावान है, और ये धर्म धीरे धीरे यहाँ भी बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से कुछ सेक्शन, जो इतिहास गवाह है कि कुछ लोगों का, सब सेक्शन का, कुछ जातियों का इसमें पढ़ने लिखने के लिए बहुत समय लगा, आज वो पढ़ लिख करके विद्वान हो गए हैं, उन्हें पता है, उन्हें समझ आई। पहले वो एक मैं तो ये कहूँगा कि एक बिल्कुल उस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे कि जिसमें कोई ज़्यादा किसी को ये एहसास नहीं था कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आज देश में यहाँ भी हमारे जो धर्म है, यहाँ के जो धर्म परिवर्तक है, यहाँ भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इस असमानता की लड़ाई को लड़ने के
लिए इस धर्म को अपनाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों में ये विश्वास जागृत हो गया कि हमें क्या करना है, तो सर्टेनली वो इस धर्म को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध की प्रेरणा स्रोत, उनके इतिहास, उनका बताए हुए मार्ग पर, पंचशील पर और अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए पूरे भारतवर्ष में एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो वो ये कहते हैं मैं बहुत कंट्री से आया हूँ, लेकिन जो भारत के अंदर रहने वाले हैं जब वो यहाँ आते हैं उनकी उन्हें खुद नहीं है और उन पर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब अब पूरा भारतवर्ष जीत जान चुका, बच्चा बच्चा जान चुका, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो बिल्कुल वो एक झूठ का पुलंदा है। वो हमेशा झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, बड़े कायदे से झूठ का सहारा लेकर के वो चले हुए हैं। पूरा जनसंघ, पूरी RSS, पूरा देश जैसा सिस्टम बना हुआ है वो झूठ से फंसा करके लोगों को अंधविश्वास की ओर धकेलते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं मैं बुद्ध भगवान की, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में देखने को आया जितनी जनसंघ, जितना RSS का काडर है वो बौद्ध धर्म को पनपने नहीं दे रहा, और उससे जहाँ जहाँ भी उससे ये होता है उसको रुकावट की कोशिश की जाती है। जब बहुत बड़ी संख्या एक इस धर्म की ओर, धर्म का मेरा मतलब धर्म का, इसलिए मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, हालांकि हम ये जितने भी लोग हैं हम सब धर्मों में विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जो बुद्ध धर्म है वो एक साइंटिफिक है। वहाँ आडंबर नहीं है, वहाँ भय भूत भगवान नहीं है, वहाँ सिस्टम है। कोई चीज़ कि उन्होंने कही कोई चीज़ तब मानो जब आप उसे साइंटिफिक कसौटी पर पूरी उतर जाए वो, तब मानो। ये मत मानो किसी इतिहास में लिखी है, ये मत मानो किसी महापुरुष ने कही, ये मत मानो किसी बहुत अच्छी किताब में लिखी हुई है, उसको तब मानिए कि जब वो वैज्ञानिक दृष्टि से अपनी कसौटी पर खरी उतरती है। यही भगवान बुद्ध का संदेश है, यही जो आडंबर बना हुआ था उस पर एक बहुत बड़ा ये अटैक है, और जो लोग समझते हैं उसको भगवान बुद्ध को मानते हैं।